नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के नौकरी में उम्र सीमा में दी छूट। बिहार में चौथे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। शुल्क जमा कर चुके एसएससी अभ्यर्थियों को फॉर्म जमा करने का मिला आखिरी मौका। पटना साहिब गुरुद्वारा में पीएम नरेंद्र मोदी ने टेका मत्था। पर्पल कैप की लिस्ट में तुषार देशपांडे टॉप 5 में पहुंचे। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के नौकरी में उम्र सीमा में दी छूट। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। प्रधानाध्यापकों के 6061 पदों पर बहाली होने जा रही है। आवेदन की आखिरी तारीख 16 मई है। आयोग की ओर से अधिकतम उम्र सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा अब 1 अगस्त 2022 के बजाय अब 1 अगस्त 2023 तक मान्य होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा में 1 साल की छूट दे दी है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। आवेदन के लिए शिक्षण का अनुभव होना जरूरी है। वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है। बिहार में चौथे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। बिहार में आज चौथे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इन सीटों पर वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। निष्पक्ष मतदान करवाने के मकसद से चुनाव आयोग 4810 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रख रहा है। जानकारी के अनुसार सभी लोकसभा सीटों पर निर्धारित समय सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। वहीं चौथे चरण के मतदान के दौरान मौसम सही है, इस वजह से ये संभावना जताई जा रही है कि पिछले चरणों की अपेक्षा अधिक वोटिंग हो सकती है। CBSE 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। CBSE बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। कक्षा 12वीं के छात्र CBSE के आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या फिर www.cbse.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। CBSE 12वीं के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जानकारी के अनुसार 12वीं की परीक्षा में 87.98% विद्यार्थी पास हो चुके हैं। CBSE की परीक्षा में इस बार लड़कियों ने बाजी मार ली है। लड़कियों का पास प्रतिशत 91.52% है और इधर लड़कों का पास प्रतिशत 85.12% है। लड़कों के मुकाबले 6.40% अधिक लड़कियां पास हुई है। पटना साहिब गुरुद्वारा में पीएम नरेंद्र मोदी ने टेका मत्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर लंगर का भी स्वाद चखा। साथ ही लंगर वाले एरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाना भी बनाया है। प्रधानमंत्री ने रोटियां बेली। इसके अलावा लंगर में उन्होंने अपने हाथ से लोगों को खाना भी परोसा है। पीएम मोदी ने सिर पर पगड़ी पहना हुआ था। इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि ये भारत के इतिहास के ऐसे पहले पीएम बन गए हैं जिन्होंने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज हाजीपुर रैली पर भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने चिराग पासवान के समर्थन में रैली को संबोधित किया और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। राजगीर को जल्द मिलेगी डिजिटल संग्रहालय की सौगात। बिहार के राजगीर को जल्द ही डिजिटल संग्रहालय की सौगात मिलेगी। नई दिल्ली स्थित भारतीय पुरातत्व मेमोरियल सर्वेक्षण के महानिदेशक डॉक्टर यदुवीर सिंह रावत ने ये बातें कही है। उन्होंने बताया है कि बिहार के इतिहास और विशेषकर इसकी शौर्य गाथा को जल्द ही डिजिटल रूप में सहेज कर रखा जा सकेगा। राजगीर में ASI की ओर से जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण कार्य किया जाएगा। ये अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। इसमें राजगीर सहित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास को डिजिटल माध्यम से देखना संभव हो पाएगा। बिहार कप सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में नीतीश और आयुषी ने जमाया कब्जा। पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पाटलिपुत्र ट्रेनिंग सेंटर में चल रहे 3 दिवसीय बिहार कप सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले में बालक वर्ग में भोजपुर के नीतीश कुमार ने भोजपुर के ही होशियार सिंह सागर को हरा कर विजेता का खिताब अपने नाम किया है। दूसरी ओर भोजपुर के तनिष्क कुमार और जहानाबाद के राज मल्होत्रा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बालिका वर्ग में पटना के आयुषी ने पटना के ही मेधावी को हराकर बिहार कप पर अपना कब्जा जमा लिया है। पटना की आयुषी योगिता और भोजपुर की दिव्या ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आज से नियमित होंगे IVL के मैच।
इंडियन वोटर लीग का आयोजन सोमवार से नियमित रूप से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में ही हो रहे रोड शो के कार्यक्रम को लेकर इस मैच को स्थगित कर दिया गया था। दीघा में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। पटना नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की टीम का गठन किया गया है। बताया जाता है कि 25 मई तक यहां पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। मैच में भाग लेने वाले अधिकतर युवा है। मालूम हो कि मैच का आयोजन करके युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नगर निगम की ओर से विशेष पहल किया गया है। शुल्क जमा कर चुके एसएससी अभ्यर्थियों को फॉर्म जमा करने का मिला आखिरी मौका। आवेदन शुल्क जमा कर चुके एसएससी अभ्यर्थियों को फॉर्म जमा करने का आखिरी मौका दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों को एक आखिरी मौका दे दिया है। इसके लिए अभ्यर्थी इस महीने तक शुल्क जमा कर सकते हैं। दरअसल 12,199 पदों पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2023 थी। 9 दिसंबर 2023 तक आवेदन शुल्क का भुगतान करना था। इसमें 24 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन कई लोग आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं कर सके थे और इन्हें आवेदन फॉर्म भरने का 27 मई तक अब आखिरी मौका दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी में नामांकन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के कई बड़े नेता, मंत्री और सांसद पीएम नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में शामिल होंगे। वाराणसी में सातवें चरण में चुनाव होने वाला है। नामांकन में यूपी सरकार के मंत्री और विधायक के साथ ही एनडीए गठबंधन के सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पीएम मोदी के नामांकन में शामिल होने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में रोड शो किया। इस पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अभी तो 1 करोड़ वाला जॉब शो बाकी है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि लोगों को 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे, यही यहां के लोगों की भी कामना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग यही चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले और सरकार का ये दायित्व भी है जो जनता चाहती है उस काम को किया जाए। लोग नौकरी मांग रहे हैं और सरकार का दायित्व बनता है कि उन्हें नौकरी दिया जाए। कांग्रेस के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया ये जवाब। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की बिहार में तलाशी ली गई। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर परेशान करने का आरोप लगाया और इसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस को जवाब दिया है। चुनाव आयोग की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने की तस्वीरें जारी की गई है और साथ ही ये कहा गया है कि बिहार में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी। आयोग ने इसका पूरा विवरण देते हुए कहा है कि सिर्फ एक पार्टी के नेता के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने का आरोप पूरी तरह से आधारहीन और गलत है। महागठबंधन प्रत्याशी मीशा भारती ने किया नामांकन। महागठबंधन की प्रत्याशी मीशा भारती ने नामांकन कर दिया। यह पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से राजद के प्रत्याशी है। आपको बता दें कि चुनाव में मीशा भारती को 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। यह पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से तीसरी बार राजद की प्रत्याशी है। वहीं मीशा भारती के नामांकन करने के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और भाई वीरेंद्र यादव मौजूद रहे। पटना समाहरणालय में मीसा भारती ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। यह नामांकन के बाद श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनसभा को भी संबोधित किया गया। इसमें लालू प्रसाद यादव ने जीत का हुंकार भरा है। शिकायत मिलने के बाद राजद के प्रदेश महासचिव को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंगेर में शिकायत मिलने के बाद राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि उजियारपुर संसदीय क्षेत्र के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के चक्र जल्दी गांव में कुछ लोगों को कथित तौर पर वोट देने से रोका गया। इसके बाद पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया। इधर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 145 और 146 पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने उपद्रव कर रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका की खारिज। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई की और इस याचिका को खारिज कर दिया है। कथित जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रही ईडी ने झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में है। पीएमएलए कोर्ट ने फिलहाल हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
पर्पल कैप की लिस्ट में तुषार देशपांडे टॉप 5 में पहुंचे। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 10 से बाहर चल रहे तुषार देशपांडे ने लंबी छलांग लगा दी है। वो इस लिस्ट में टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। पर्पल कैप की रेस में बुमराह की बादशाहत कायम है। ये 20 विकेट के साथ पहले स्थान पर है। दूसरी ओर हर्षद पटेल 20 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर है। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच पर्पल कैप की रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि तीसरे स्थान पर 18 विकेट के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती है। पर्पल कैप के लिस्ट में तुषार देश पांडे चौथे स्थान पर है, जबकि खलील अहमद पांचवें स्थान पर है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस मीडिया संस्थान की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार अपने नाम किया है? एबीपी न्यूज, इंडिया टुडे, जी न्यूज या न्यूज 18? सही उत्तर है इंडिया टुडे। 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता है? मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद शाहरुख या मोहम्मद आमिर? सही जवाब है मोहम्मद सलीम। विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन, राकेश कुमार, मोहन कुमार या गौरव कुमार? सही उत्तर है राकेश मोहन। हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? 8 मई, 10 मई, 11 मई या 12 मई? सही उत्तर है 11 मई। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनकर उभरा है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? सही जवाब है भारत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, अशरफ अली, रवि कुमार राम, बाबूलाल मरांडी, साधना देवी, मोहम्मद शकीर हुसैन, शंकर पासवान, नंद कुमार सिंह, नौशाद राजा, सदुल्ला पाल, वी सुमन राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से क्या एनडीए को फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।